हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग वीडियो। यार आज है मेरा थर्ड ईयर एग्जाम का लास्ट पेपर और उसका लास्ट डे। मतलब आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम से एक रात पहले या एक दिन पहले पढ़ के कैसे पास होते हैं। तो आज के पूरे व्लॉग में सिर्फ वही बताऊंगा, पूरी टेक्निक्स और कैसे लर्न करना है, कितने यूनिट कवर करना है और क्या क्या करना है। तो करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। अभी आ चुका हूँ मैं अपने स्टडी टेबल के ऊपर और सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी शॉर्ट नोट्स की, आईएमपी के शॉर्ट नोट्स, वो भी पॉइंट वाइज बने होने चाहिए नोट्स। देखो इस तरीके, सबसे पहले टॉप आईएमपी क्वेश्चंस निकाल लेना आप और फिर बना लेना उन सबके शॉर्ट नोट। ये देखो मेरा लास्ट पेपर है क्रिप्टोग्राफी की, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और वो भी कितने, सिर्फ 20 क्वेश्चंस और प्लस, मतलब दो चार क्वेश्चन और भी पढ़ लूंगा खुद से जो मुझे आईएमपी लगेंगे, लेकिन मिनिमम 20 क्वेश्चंस आईएमपी ओनली। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए और इस सब में ये देखो डायग्राम। डायग्राम से क्या है कि जल्दी याद होता है और अपन को सही रहता है याद करने में, और एग्जाम में लिखेंगे तो डायग्राम की वजह से अपन को ज्यादा और फुल मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में। ये देखो कितने छोटे छोटे आंसर लिखे मैंने, एक एक पेज के या आधे आधे पेज के, ये देखो यहाँ खत्म। ऐसे करके आप लोग भी पूरे पॉइंट वाइज या शॉर्ट नोट्स बना लेना जो कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। और ये देखो डायग्राम, लेकिन पूरा अच्छे से बना रहा क्योंकि मेन चीज डायग्राम है, वर्किंग तो इसके बाद जो डायग्राम में हो रहा है वही लिखना है हमें। सिंपल जैसे इसमें जो जो हो रहा है इसके, इसे बनाने के बाद हमें वर्किंग में वही वही लिख देना है बस। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है टेक्निकल लैंग्वेज है पूरी। ऐसे करके सबसे पहले आप लोग शॉर्ट नोट बना लेना। ये देखो बहुत सारे मैंने 20 के 20 क्वेश्चन बना दिए पूरा, दो चार और जो हैं अभी क्वेश्चन बाकी है उन्हें अभी बनाऊंगा। तो हमारा पहला पार्ट हो गया कि सबसे पहले बनाने हमें शॉर्ट नोट्स टॉप 20 या टॉप क्वेश्चंस के, और फिर उसके बाद स्टार्ट कर देना है हमें रिवीजन। हाँ, रिवीजन ज्यादा करना, ज्यादातर फोकस करना आप डायग्राम पर, क्योंकि आपकी थ्योरी सही नहीं होगी लेकिन डायग्राम सही होगा तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। क्योंकि डायग्राम हर जगह सेम होता है लेकिन थ्योरी हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होती है, कई एक थ्योरी कई तरह से लिखी जा सकती है। तो मतलब आप लोग सिर्फ डायग्राम अच्छे से लर्न कर लो और फिर उसके हिसाब से थ्योरी लिख के आ जाना, नंबर आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मेरे बाकी है उन्हें राइट डाउन करूंगा और फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। Don't you ever look back. Bye, baby.
Yeah.